ऐसे ही है। बस ऐसे ही आपको इसमें पूरे में कलर फैलाते जाना है। साथ ही साथ आपके घर में अगर कोई देखिए सीनरी वगैरह होती है जो ख़राब हो जाती है जिसका पेपर, तो हम उसका भी यूज़ इसमें कर सकते हैं, जिसमें आपको आप आसानी से घर पे उसको फ्रेम भी कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको ये जो कलर है जो मार्केट में ही मिलेगा ये चाहिए होगा। देखिए यहाँ पे जहाँ पे बबल्स हैं उसको हम सही कर ले रहे हैं। कलर में ये जो बबल्स आ जा रहे हैं इनको हम किसी भी पेन से या किसी भी चीज़ से इसको ऐसे से हटा देंगे, और नहीं तो ये थोड़ी देर बाद जो छोटे छोटे होंगे वो अपने आप ही खत्म। देखिए बबल जो है वो कम हो जा रहे हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। अब ये ब्लू कलर हो गया, अब हम यहाँ पे रेड कलर का यूज़ करेंगे। तो रेड कलर हम इनका जो माउथ है उसमें लगाएंगे। नोज यहाँ पे इनका जो गैजेट है उसके लिए येलो कलर यूज करेंगे। अब इनके शूज के लिए हम यहाँ पे ब्राउन कलर यूज कर ले रहे हैं। ऐसे ही कार्टून है, आप कोई भी कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इनके हाथ को कलर करने के लिए हम यहाँ पे येलो कलर यूज कर रहे हैं। ये हो गया, और आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये पेंटिंग यहाँ उठा करके देखनी होगी, और इसमें जहाँ जहाँ भी छोटा होगा हमें वो भी फिल करना होता है। तो देखिए जैसे मेरी पेंटिंग में ये यहाँ पे छोटा हुआ है तो मैं इसको फिल कर दे रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको आउटलाइन का खास करके ध्यान देना है कि ये जो आउटलाइन है उसके पास ना छोटे हो और उससे बाहर भी कलर ना निकले। ये देखिए जैसे ये आउटलाइनर है, इससे हम कोई भी अगर हमारे पास पहले से ड्रॉ नहीं होता है तो हम क्या करते हैं इससे उसको ड्रॉ करते हैं। नीचे कोई भी हमने रख लिया कोई भी चीज़ जो हमें बनानी है
और उसके बाद इससे हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे इसका हम यूज़ इनकी आइज़ के लिए कर रहे हैं। देखिए ये ग्रीन कलर है, अब यहाँ इनका जो पॉकेट है हम इसको ग्रीन कलर से कलर कर देते हैं। देखिए ये आपकी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। और इनका जो फेस है उसके लिए हम येलो कलर यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही ये जो बैकग्राउंड है इनका उसके लिए हम ब्लैक कलर या जो भी कलर आपको पसंद हो बैकग्राउंड के लिए वो कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेंटिंग आपकी रेडी हो गई। आप घर में भी कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा। ओके, थैंक यू।